हेलो गाइस, वेलकम आपको काले लिनक्स मास्टर ट्यूटोरियल की आज की इस वीडियो में। तो हमारे इस ट्यूटोरियल की लास्ट वीडियो में हमने लिनक्स फाइल परमिशन के कॉन्सेप्ट को डीपली तौर पर स्टडी किया था और लिनक्स में न्यू यूजर्स को क्रिएट और डिलीट करने के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जाना था। तो आज के इस वीडियो में हम लिनक्स में ग्रुप्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि लिनक्स यूजर्स में ये ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस लिए यूज किए जाते हैं। बट उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं और वीडियो को भी लाजमी से लाइक कर दें। सो चलिए, सो गाइज, लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइज, लिनक्स में हर यूजर के कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं और ये ग्रुप्स ही परमिशंस को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये जो यूजर है अमून, अब ये सूडो ग्रुप में एड है, तो इसका ये मतलब है कि मेरे इस यूजर को सूडो की तमाम परमिशंस अलाउ हैं, यानी कि मेरा ये यूजर सूडो के साथ कोई से भी कमांड रन कर सकता है। अब मेरे बाकी के यूजर क्योंकि सूडो ग्रुप में ऐड नहीं है तो उन्हें ये परमिशन नहीं है कि वो सूडो के साथ कोई कमांड रन कर पाए। तो हम लिनक्स में ग्रुप्स को परमिशंस को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। इसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एक कंपनी में स्पेसिफिकली एथिकल हैकर्स के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है, तो अब लिनक्स में इन एथिकल हैकर्स की परमिशंस को मैनेज करने के लिए हम एथिकल हैकर्स के नाम से एक स्पेसिफिक ग्रुप बना देंगे। अब कंपनी का जो जो यूजर भी इस ग्रुप में ऐड होगा उसे परमिशन मिल जाएगी कि वो एथिकल हैकिंग परफॉर्म कर पाए, अदरवाइज किसी यूजर को ये परमिशन नहीं होगी कि वो एथिकल हैकिंग परफॉर्म करे। तो अब मैं यहाँ पर अपने इस अमून यूजर को और यूजर टू को एथिकल हैकर वाले ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। तो इस तरह से मेरे इन दोनों यूजर्स को परमिशन मिल जाएंगी कि वो एथिकल हैकिंग परफॉर्म कर पाए। बाकी बचा यूजर वन, क्योंकि वो एथिकल हैकर्स वाले ग्रुप में ज्वाइन नहीं है इसलिए उसे परमिशन नहीं है कि वो एथिकल हैकिंग परफॉर्म करे। तो गाइज, आपने इस एग्जांपल में देखा कि मैंने किस तरह से ग्रुप्स का यूज करते हुए यूजर्स की परमिशंस को मैनेज किया है। अगर अभी तक आप कंफ्यूज हैं और आपको चीजों का अंदाजा नहीं हो रहा है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अभी हम प्रैक्टिकली ये तमाम वर्किंग करने वाले हैं तो आप बेहतर तरीके से हर चीज समझ जाएंगे। सो ऑलराइट गाइज, यहाँ पर मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ अब हम तमाम वर्किंग को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास मेरी काली लिनक्स मशीन में मल्टीपल यूजर्स बने हुए हैं। सो गाइज, अब हम इन यूजर्स के ग्रुप्स को चेक करने के प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि हम ये किस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारा ये यूजर अमून या ये यूजर वन या ये यूजर टू किन किन ग्रुप्स में ऐड है। तो यहाँ पर इन यूजर्स के ग्रुप्स को चेक करने के लिए हम किसी एक यूजर को लॉग इन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने अमून यूजर को लॉग इन कर रहा हूँ। सो गाइज, इस यूजर को लॉग इन करने के बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। अब गाइज, किसी भी यूजर के ग्रुप्स को चेक करने के लिए हम दो तरह के कमांड्स का यूज करते हैं। फर्स्ट ये कि आप जिस भी यूजर में लॉग इन होंगे आपने जस्ट वहां पर ग्रुप्स की कमांड दिखकर एंटर हिट करना है, तो आपके सामने उस यूजर के तमाम ग्रुप्स आ जाएंगे जिसमें आप उस टाइम पे लॉग इन होंगे। चलिए, सो गाइज, इसे प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मैं अभी के टाइम पे अपने इस अमून यूजर में लॉग इन हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंपल ग्रुप्स लिखकर एंटर हिट करूंगा तो मेरे सामने इस अमून यूजर के तमाम ग्रुप्स आ जाएंगे। अब आपको आपकी स्क्रीन पर वो तमाम ग्रुप्स शो हो रहे हैं जिनमें ये अमून यूजर ऐड हैं। और इसके बाद हमारे पास एक सेकंड कमांड भी है जिसका यूज करके हम किसी भी यूजर के ग्रुप्स को चेक कर सकते हैं। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कमांड में ग्रुप्स लिखते हैं, देन स्पेस डालकर हम उस यूजर का नेम मेंशन कर देते हैं जिसके ग्रुप्स को हमने चेक करना हो। जैसे कि अगर मुझे अमून यूजर्स के तमाम ग्रुप्स को चेक करना है तो सिंपल मैं ग्रुप्स लिखूंगा, देन मैं स्पेस डालकर अमून यूजर नेम मेंशन कर दूंगा। तो इस तरह से मेरे सामने अमून यूजर के तमाम ग्रुप्स आ जाएंगे। और इसी तरह से अगर मुझे मेरे यूजर वन के तमाम ग्रुप्स को चेक करना है कि मेरा यूजर वन किन किन ग्रुप्स में ऐड है, तो सिंपल मैं ग्रुप्स लिखूंगा, देन मैं स्पेस डालकर यूजर वन मेंशन कर दूंगा। सो गाइस, इस तरह से हम किसी भी यूजर के ग्रुप्स को चेक कर सकते हैं। चलिए, सो इस चीज को प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। सो ऑलराइट गाइज, यहाँ पर मैं अब अपने टर्मिनल में सिंपल ग्रुप्स लिखूंगा, देन स्पेस डालकर अपना वो यूजर नेम मेंशन कर दूंगा जिसके ग्रुप्स को मैंने चेक करना है। तो यहाँ पर अभी के टाइम पे मैं अमून यूजर के तमाम ग्रुप्स को चेक कर रहा हूँ। तो अब मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा तो मेरे सामने मेरे इस अमून यूजर के तमाम ग्रुप्स आ जाएंगे। सो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा अमून यूजर नेम मेंशन है, देन यहाँ पर उस यूजर नेम के तमाम ग्रुप्स के नेम मेंशन है। सो गाइज, अब हम यहाँ पर मजीद यूजर्स के ग्रुप्स को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब की बार मैं यूजर वन के तमाम ग्रुप्स को चेक करने वाला हूँ। सो यूजर वन के ग्रुप्स को भी चेक करने के लिए हम सिंपल पहले जैसी कमांड ही एंटर करेंगे, बस अब की बार हम यूजर नेम को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मेरे सामने मेरा यूजर वन के तमाम ग्रुप्स आ चुके हैं और मेरा ये यूजर वन इस वक्त में दो ग्रुप्स में ऐड है। इसी तरह से अब मैं अपने यूजर टू के भी तमाम ग्रुप्स को चेक कर लेता हूँ।
सो इसके लिए भी हम सेम कमांड ही देंगे, बस हम यूज़र नेम चेंज कर देंगे और यूज़र नेम की जगह पर इस बार यूज़र 2 आ जाएगा। और जैसे ही ये कमांड लिखकर हम एंटर हिट करेंगे तो हमारे सामने यूज़र 2 के भी तमाम ग्रुप्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ये यूज़र 2 भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही ग्रुप्स में ऐड है। सो आई होप गाइस आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह से किसी भी यूज़र के तमाम ग्रुप्स को चेक किया जाता है। सो अब मैं क्लियर कमांड देखकर अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। अब गाइज ये हमने हर सिंगल यूज़र के ग्रुप्स को चेक करने के प्रोसेस के बारे में जाना, बट अगर मुझे मेरी इस काली मशीन के तमाम यूज़र्स के ग्रुप्स को एक ही बार में चेक करना हो कि मेरी इस काली लिनक्स मशीन में टोटल कितने ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ये मैं किस तरह से चेक कर सकता हूँ। सो गाइज अपनी काली मशीन के तमाम ग्रुप्स को चेक करने के लिए हम गेट ENT स्पेस ग्रुप कमांड का यूज़ करते हैं, और इसके अलावा इसकी एक ऑल्टरनेटिव कमांड भी यूज़ की जाती है जो कि कैट स्पेस /etc/group है। अभी हम इन दोनों कमांड्स को प्रैक्टिकली यूज़ करके भी देख लेते हैं। सो ऑलराइट गाइज, यहाँ पर अब मैं अपने टर्मिनल में गेट ENT ग्रुप्स की कमांड एंटर करने वाला हूँ ताकि मैं अपनी काली लिनक्स मशीन के तमाम ग्रुप्स को चेक कर सकूँ। सो गाइज ये कमांड लिखने के बाद जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे सामने मेरी काली लिनक्स मशीन के तमाम ग्रुप्स आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितने सारे ग्रुप्स हैं जो कि मेरी काली मशीन में बने हुए हैं। अब गाइज हमारी इस काली मशीन में जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं इसमें हर ग्रुप का अपना एक अलग जॉब रोल है। सो ऑलराइट गाइज, अब हम यहाँ पर अपनी सेकंड अल्टरनेट कमांड एंटर करते हैं जो थी कैट स्पेस /etc/group। अब गाइज हमारी ये कमांड भी बिल्कुल पहले जैसी कमांड की तरह ही वर्क करेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कमांड एंटर करने के बाद सेम पहले जैसी कमांड की तरह ही रिस्पॉन्स आया है। हमारे पास ये जो कमांड थी कैट /etc/group, सेम इस कमांड ने हमारी पहले जैसी कमांड की तरह ही वर्क किया है और सेम ग्रुप्स के नेम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जिस तरह के हमें पहले देखने को मिल रहे थे। सो आप इन दोनों कमांड्स में से कोई सी भी कमांड का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि हम एक मशीन के तमाम ग्रुप्स को किस तरह से चेक करते हैं। सो अब मैं यहाँ पर क्लियर कमांड देकर अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। सो ऑलराइट गाइज, अभी तक हमें ये आइडिया हो चुका है कि हम किस तरह से किसी भी एक यूज़र के तमाम ग्रुप्स को कैसे चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने दो कमांड्स का यूज़ किया, ग्रुप्स और ग्रुप स्पेस यूज़र नेम, और देन हमने अपनी मशीन में तमाम क्रिएटेड ग्रुप्स को चेक करने का प्रोसेस जाना कि हम ये किस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारी मशीन में टोटल कितने ग्रुप्स क्रिएटेड हैं। और इसमें भी हमने दो कमांड्स को देखा और उन्हें प्रैक्टिकली परफॉर्म भी किया, जिसमें से पहली कमांड गेट ENT स्पेस ग्रुप थी और जिसमें दूसरी कमांड कैट स्पेस /etc/group थी। सो ऑलराइट गाइज, अब हम अपनी मशीन में न्यू ग्रुप्स को क्रिएट करने के प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि न्यू ग्रुप्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। और हम अपनी मशीन में एथिकल हैकर्स के नाम से अभी एक न्यू ग्रुप भी क्रिएट करेंगे, और देन उसके बाद हम ये जानेंगे कि किस तरह से यूजर्स को ग्रुप में ऐड किया जाता है, और देन हम अपनी मशीन में मौजूद यूजर्स को अपने इस एथिकल हैकर वाले क्रिएट किए गए ग्रुप में ऐड भी करेंगे। सो चलिए सो गाइज इस वर्किंग को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। सो ऑलराइट गाइज, मशीन में न्यू ग्रुप क्रिएट करने के लिए सूरो स्पेस ग्रुप ऐड की कमांड का यूज किया जाता है, और ये कमांड देने के बाद ग्रुप का एक नेम सेट किया जाता है। अब यहाँ पर हम कोई सा भी नेम सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर अभी के टाइम पे मैं एथिकल हैकर्स के नाम से एक न्यू ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। ग्रुप का नेम सेट करने के बाद हम जैसे ही एंटर हिट करेंगे तो हमसे हमारी मशीन का पासवर्ड पूछा जाएगा। मशीन का पासवर्ड देने के बाद हमारा न्यू ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब गाइज हमने ये जो एथिकल हैकर्स के नाम से न्यू ग्रुप क्रिएट किया है, इस ग्रुप को देखने के लिए कि ये ग्रुप क्रिएट हुआ भी है या नहीं, तो इसके लिए हम गेट ENT स्पेस ग्रुप की कमांड देंगे और अपनी मशीन के तमाम ग्रुप्स को चेक करेंगे। तो अब जैसे ही मैं ये कमांड देकर एंटर हिट करता हूँ तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास लास्ट पे एथिकल हैकर्स के नाम से एक न्यू ग्रुप क्रिएट हो चुका है। पहले ये ग्रुप यहाँ पर मौजूद नहीं था, ये ग्रुप अभी रिसेंटली हमने क्रिएट किया है। आई होप गाइज आपको अपनी लिनक्स मशीन में न्यू ग्रुप्स के क्रिएट करने के प्रोसेस का आइडिया हो चुका होगा। अब जिस तरह से मैंने एथिकल हैकर्स का ग्रुप बनाया है, इसी तरह से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ऐप डेवलपर्स या डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो चुका है और हमारा न्यू ग्रुप बन चुका है। तो अब मैं यहाँ अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। सो ऑलराइट गाइस, अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट टास्क की, जिसमें हम अपने उस एथिकल हैकर वाले क्रिएट किए गए ग्रुप में यूजर्स को ऐड करेंगे। अब गाइस किसी भी ग्रुप में यूजर को ऐड करने के लिए
हम sudo, देन उसके बाद स्पेस और देन यूजर मोड और देन अगेन स्पेस और देन उसके बाद हाइफन स्मॉल a और देन स्पेस हाइफन कैपिटल g और देन उस ग्रुप का नेम मेंशन किया जाता है जिस ग्रुप में हमने यूजर को ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारा ग्रुप एथिकल हैकर है तो इसलिए यहाँ पर मैंने ग्रुप का नेम मेंशन कर दिया है और देन लास्ट पर स्पेस डालकर यूजर नेम मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने अमून यूजर को इस एथिकल हैकर्स वाले ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता हूँ इसलिए यहाँ पर मैंने अमून यूजर को मेंशन कर दिया है। अब गाइस अगर हम इस कमांड को देखें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने sudo लगाया है यानी कि ये कमांड sudo परमिशन के साथ रन हो रही है। देन उसके बाद हमने यूजर मोड लिखा है यानी कि हम यूजर को मॉडिफाई कर रहे हैं और यूजर में कोई चेंजिंग परफॉर्म कर रहे हैं और देन उसके बाद हमने हाइफन ए फ्लैग का यूज़ किया है जिसका मतलब यहाँ पर ऐड है कि हम अपने ग्रुप में कोई न्यू यूज़र ऐड कर रहे हैं। उसके बाद इस कमांड में हाइफन कैपिटल जी का यूज़ किया गया है जिसका मतलब यहाँ पर ग्रुप है और फिर लास्ट पे हमने ग्रुप नेम और यूज़र नेम मेंशन कर दिया है। अब गाइज ये कमांड लिखने के बाद जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूँ तो मुझसे मेरे इस यूज़र का पासवर्ड पूछा जाएगा। पासवर्ड देने के बाद जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा तो मेरा ये यूज़र मेरे इस एथिकल हैकर्स वाले ग्रुप में ऐड हो जाएगा। अगर हमें ये वेरीफाई करना है कि हमारा ये यूज़र एथिकल हैकर्स वाले ग्रुप में ज्वाइन हुआ है या नहीं तो इसके लिए हम अपने यूज़र के ग्रुप्स को चेक कर लेते हैं। तो अब अपने इस यूज़र के ग्रुप्स को चेक करने के लिए हम पहले ग्रुप्स की कमांड देंगे देन उसके बाद अपना यूज़र नेम मेंशन कर देंगे। सो गाइज अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मेरे सामने मेरे इस अमून यूज़र के तमाम ग्रुप्स आ चुके हैं। अब इन ग्रुप्स में अगर लास्ट वाला ग्रुप देखें तो वो हमारा एथिकल हैकर्स वाला ग्रुप है यानी कि मेरा ये अमून यूज़र मेरे इस एथिकल हैकर वाले ग्रुप में ज्वाइन हो चुका है। सो आई होप गाइज आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि हमने किस तरह से इस कमांड का यूज़ करते हुए अपने अमून यूज़र को अपने एथिकल हैकर्स वाले ग्रुप में ज्वाइन किया। सो ऑल राइट गाइज अब हम मज़ीद भी अपने एक और यूज़र को अपने इस एथिकल हैकर वाले क्रिएट किए गए ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं अगेन से पहले वाली कमांड का ही यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं sudo लिखूँगा देन यहाँ पर यूज़र मोड उसके बाद हाइफन स्मॉल a देन स्पेस हाइफन कैपिटल g देन वो ग्रुप नेम मेंशन करना है जिसमें हमने अपने यूज़र को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं एथिकल हैकर्स मेंशन कर दूँगा देन हम यहाँ पर अपने यूज़र वन को मेंशन कर देंगे जिसे कि हम इस ग्रुप में ऐड करने वाले हैं। सो अब जैसे ही ये कमांड लिख कर मैं एंटर हिट करूँगा तो मेरा ये यूज़र वन मेरे इस एथिकल हैकर वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। अब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए मैं यूज़र वन के तमाम ग्रुप्स को चेक कर लेता हूँ। सो इसके लिए यहाँ पर मैं ग्रुप्स स्पेस और यूज़र वन की कमांड मेंशन करूँगा। अब जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा तो मेरे सामने मेरे यूज़र वन के तमाम ग्रुप्स आ जाएंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले यूज़र वन में जस्ट दो ग्रुप्स थे जबकि अब यहाँ पर तीन ग्रुप्स मेंशन है और हमारा लास्ट वाला ग्रुप एथिकल हैकर्स का ग्रुप है यानी कि मेरा ये यूज़र वन मेरे से एथिकल हैकर वाले ग्रुप में ज्वाइन हो चुका है। सो आई होप गाइज आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह से यूज़र्स को ग्रुप्स में ज्वाइन किया जाता है। सो अब मैं यहाँ पर क्लियर कमांड देकर अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। सो ऑल राइट गाइज अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर हमें ये चेक करना हो कि हमारे एक ग्रुप में टोटल कितने और कौन कौन से यूज़र्स ऐड हो चुके हैं तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये जानना है कि मेरा ये जो एथिकल हैकर्स वाला ग्रुप है इसमें अभी कितने यूज़र्स ऐड हैं और कौन कौन से यूज़र्स ऐड हैं तो ये मैं किस तरह से करूँगा। सो गाइस इस चीज़ को चेक करने के लिए भी हम गेट की एंटी स्पेस ग्रुप की कमांड का ही यूज़ करते हैं। इससे हमारे ग्रुप्स में जॉन जॉन से यूज़र्स भी ऐड हुए होते हैं उन तमाम की डिटेल्स हमारे सामने आ जाती हैं। चलिए सो इसे प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैं अपने टर्मिनल में गेट ई एन टी स्पेस ग्रुप की कमांड एंटर करता हूँ। तो अब मैं जैसे ही एंटर हिट करता हूँ तो मेरे सामने मेरी मशीन में क्रिएटेड तमाम ग्रुप्स की डिटेल्स आ जाएंगी। अब अगर हम ये लास्ट वाला एथिकल हैकर्स वाला ग्रुप देखें सो गाइस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारे इस एथिकल हैकर्स वाले ग्रुप के बिल्कुल सामने वो दोनों यूज़र्स मेंशन हैं जो कि इस ग्रुप में अभी के टाइम पे ऐड हैं। सो अभी के टाइम पे मेरा अमून यूज़र और मेरा यूज़र वन ये दोनों यूज़र्स एथिकल हैकर वाले ग्रुप्स में ऐड हैं। सो ऑल राइट गाइस अब हम ये जान चुके हैं कि हम ये किस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारे किस ग्रुप में कौन कौन से यूज़र्स ऐड हैं। अब गाइस अगर हम इन फ्यूचर कोई तीसरा यूज़र अपने इस एथिकल हैकर वाले ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो वो यहाँ पर हमारे यूज़र वन के सामने लिखा हुआ आ जाएगा। सो आई होप गाइस आपको हर चीज़ का कम्प्लीटली आइडिया हो चुका होगा। अब मैं यहाँ पर क्लियर कमांड देकर अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। सो ऑल राइट गाइस अभी तक हम ये जान चुके हैं कि अपनी लिनक्स मशीन में किस तरह से न्यू ग्रुप्स को क्रिएट किया जाता है और हमने न्यू ग्रुप्स को क्रिएट करने की कमांड को भी देखा और हमने इस कमांड का यूज़ करते हुए एथिकल हैकर्स के नाम से एक न्यू ग्रुप भी अपनी मशीन में क्रिएट किया।
और देन सेकेंड न्यू ग्रुप क्रिएट करने के बाद हमने ये जाना कि किस तरह से उस ग्रुप में यूजर्स को ऐड किया जाता है। और अपने यूजर्स को ग्रुप में ऐड करने के लिए हमने इस कमांड का यूज किया था, और इस कमांड का यूज करते हुए हमने अपने दो यूजर्स यूजर वन और अमोन यूजर को अपने एथिकल हैकर वाले ग्रुप में ज्वाइन किया था। इसके बाद हमने ये जाना कि हम ये किस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारे किस ग्रुप में अभी के टाइम पे कितने यूजर्स ऐड हैं, जिसके लिए हमने गेट ई एन टी स्पेस ग्रुप कमांड का यूज किया था। सो आई होप गाइस आपको ये तमाम वर्किंग प्रैक्टिकली भी समझ में आ चुकी होगी। अब हम ग्रुप में ऐड किए गए यूजर्स को रिमूव करने के प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि अगर मेरा ये यूजर वन या मेरा ये अमून यूजर एथिकल हैकर वाले ग्रुप में ज्वाइन है तो इन यूजर्स को किस तरह से इस ग्रुप से रिमूव किया जाता है। सो गाइस इस चीज को करने के लिए हम मेनली दो तरह की कमांड्स का यूज करते हैं। फर्स्ट कमांड sudo del user, देन यूजर नेम मेंशन किया जाता है, और फिर लास्ट पे उस ग्रुप का नेम मेंशन किया जाता है जिस ग्रुप से यूजर को रिमूव करना हो। और इसके अलावा जो सेकंड कमांड यूज की जाती है उसमें सबसे पहले sudo, देन कमांड में gpasswd लिखा जाता है, फिर स्पेस डालकर -d फ्लैग का यूज किया जाता है जिसका मतलब del या delete यूजर होता है, देन वो यूजर नेम मेंशन किया जाता है जिस यूजर को ग्रुप से रिमूव करना हो, और फिर लास्ट पे ग्रुप नेम मेंशन कर दिया जाता है। मेनली यही दो कमांड्स का यूज करते हुए यूजर्स को ग्रुप से रिमूव किया जाता है। इनमें से अभी के टाइम पे हम किसी एक कमांड का यूज करते हुए अपने ग्रुप से यूजर्स को रिमूव करने के प्रोसेस को प्रैक्टिकली देखेंगे। सो चलिए सो गाइज वापस से अपने सिस्टम की स्क्रीन पर चलते हैं। सो ऑलराइट गाइज यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि हमारे एथिकल हैकर्स वाले ग्रुप में अभी के टाइम पे कौन कौन से यूजर्स ऐड हैं और हम अभी किस यूजर को रिमूव करेंगे। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इस एथिकल हैकर्स वाले ग्रुप में अभी के टाइम पे दो यूजर्स ऐड हैं, पहला अमून और दूसरा यूजर वन। तो अभी के टाइम पे यहाँ पर मैं इस यूजर वन को अपने इस एथिकल हैकर वाले ग्रुप से रिमूव करूंगा। तो इसके लिए मैं कमांड यूज करूंगा sudo स्पेस gpasswd, देन अगेन से स्पेस और -d, जिसका मतलब यहाँ पर यह है कि हम एक यूजर को ग्रुप से डिलीट करेंगे, देन स्पेस डालकर वो यूजर नेम मेंशन करेंगे जिस यूजर को हमने ग्रुप से रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैं यूजर वन लिख लूंगा, और देन लास्ट पे हम वो ग्रुप नेम मेंशन कर देंगे जिस ग्रुप से हमने यूजर को रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैं एथिकल हैकर्स लिख लूंगा। सो गाइज ये कमांड लिखने के बाद जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे तो हमारा ये जो यूजर था यूजर वन, ये हमारे इस एथिकल हैकर वाले ग्रुप से रिमूव हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ आ चुका है कि हमारा ये जो यूजर वन था ये हमारे इस एथिकल हैकर वाले ग्रुप से रिमूव हो चुका है। अब अगर यहाँ पर मैं गेट ई एन टी स्पेस ग्रुप की कमांड का यूज करते हुए अपने ग्रुप्स की डिटेल्स को चेक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो एथिकल हैकर्स वाला ग्रुप था अब इसके सामने जस्ट अमोन यूजर मेंशन है, जबकि यूजर वन यहाँ से खत्म हो चुका है क्योंकि हमने अपने यूजर वन को अपने इस एथिकल हैकर वाले ग्रुप से रिमूव कर दिया है। इसके अलावा अगर हम यूजर वन के ग्रुप्स को भी चेक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूजर वन के ग्रुप्स में इस वक्त में जस्ट दो ग्रुप्स ही रह गए हैं, और जो थर्ड एथिकल हैकर्स वाला ग्रुप था वो यहाँ से खत्म हो चुका है। सो आई होप गाइस आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह से यूजर्स को ग्रुप से रिमूव किया जाता है। सो अब हम क्लियर कमांड देकर अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। सो ऑलराइट गाइस अब हम ये जानेंगे कि आप किस तरह से लाइनक्स में ग्रुप्स को डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि अगर मुझे मेरे इस एथिकल हैकर्स वाले ग्रुप को डिलीट करना है या फिर इसके अलावा किसी और ग्रुप को डिलीट करना है तो ये मैं किस तरह से कर सकता हूँ। सो गाइस लिनक्स में ग्रुप्स को डिलीट करने के प्रोसेस को सीखने से पहले हम लिनक्स में ग्रुप्स की टाइप्स के बारे में जानेंगे। सो गाइस हमारे पास मेनली लिनक्स में दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। अब गाइस अगर प्राइमरी ग्रुप की बात करें तो प्राइमरी ग्रुप किसी भी यूजर का एक मेन ग्रुप होता है, और जब भी लिनक्स में एक न्यू यूजर क्रिएट होता है तो उस यूजर के साथ बाय डिफॉल्ट उसका प्राइमरी ग्रुप लाजमी से क्रिएट होता है, और ये प्राइमरी ग्रुप हमेशा उसी नेम से क्रिएट होता है जिस नेम से हमने यूजर क्रिएट किया होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक न्यू यूजर क्रिएट करता हूँ यूजर 10 के नाम से, तो अब इस यूजर का प्राइमरी ग्रुप लाजमी से क्रिएट होगा और उस ग्रुप का नेम भी यूजर 10 ही होगा। चलिए सो गाइस प्राइमरी ग्रुप को प्रैक्टिकली देखते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से हर चीज समझ जाएं। सो ऑलराइट गाइज यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने किसी यूजर के ग्रुप्स को ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं अपने अमोन यूजर के ग्रुप्स को ओपन कर रहा हूँ। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास मेरे अमोन यूजर के तमाम ग्रुप्स आ चुके हैं। अब गाइज अगर आप मेरे इस अमोन यूजर नेम के फर्स्ट ग्रुप को देखें तो उसका नेम भी अमोन ही है। मेरा ये फर्स्ट अमोन ग्रुप मेरे इस अमोन यूजर का प्राइमरी ग्रुप है। इसी तरह से अगर मैं अपने यूजर वन के तमाम ग्रुप्स को चेकआउट करता हूँ, सो गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास अब यहाँ पर ये जो यूजर वन है, इस यूजर वन में ये जो पहला ग्रुप है उसका नेम भी यूजर वन ही है।
और ये ग्रुप हमारे यूजर वन का प्राइमरी ग्रुप है। सो गाइस, जब हमने ये न्यू यूजर क्रिएट किए थे तो उनके साथ ये प्राइमरी ग्रुप्स ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो गए थे। अब अगर मैं यहाँ पर मजीद भी अपने किसी और यूजर के भी ग्रुप्स को चेक करूँ तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास हर यूजर में ही लाजमी से एक प्राइमरी ग्रुप मौजूद है। जैसे कि अभी हमने यूजर टू के ग्रुप्स को देखा तो यूजर टू के ग्रुप्स में भी पहला ग्रुप हमारे पास यूजर टू के नेम से ही है, जो कि हमारे यूजर टू का प्राइमरी ग्रुप है। अब गाइज यहाँ पर मैं एक न्यू यूजर क्रिएट करूंगा और आप देखिएगा जैसे ही मैं एक न्यू यूजर क्रिएट करता हूँ उसके साथ ऑटोमेटिकली उसका एक प्राइमरी ग्रुप उसी के नाम से बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक न्यू यूजर क्रिएट करने की कमांड एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं यूजर थ्री के नाम से एक न्यू यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। अब जो हमारे यूजर थ्री का प्राइमरी ग्रुप बनेगा उसका नेम भी यूजर थ्री ही होगा। सो ऑलराइट गाइज, अब मैं जैसे ही कमांड लिखकर एंटर हिट करता हूँ तो मुझसे मेरे इस यूजर थ्री का एक पासवर्ड सेट करने को कहा जाएगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ और देन हम अपने सेट किए गए पासवर्ड को एक बार रीटाइप कर लेंगे और बाकी की जो हमारे पास डिटेल है उसे अभी के टाइम पे हम खाली छोड़ देंगे। सो गाइज, हमारे पास हमारा एक न्यू यूजर क्रिएट हो चुका है। सो गाइज, अब हम अपने इस क्रिएट किए गए नए यूजर के ग्रुप्स को चेक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जिस नाम से यूजर क्रिएट किया था उसी नाम से हमारे पास एक न्यू प्राइमरी ग्रुप भी क्रिएट हुआ है। तो प्राइमरी ग्रुप हमारे पास उसी टाइम पे ही क्रिएट हो जाता है जिस टाइम पे हम एक न्यू यूजर क्रिएट करते हैं। अब गाइज, ये जो हमारा प्राइमरी ग्रुप क्रिएट होता है इसमें हमारे यूजर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मौजूद रहती है। सो अब मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। सो आई होप गाइज आपको इस प्राइमरी ग्रुप का कम्प्लीटली आइडिया हो चुका होगा कि ये प्राइमरी ग्रुप क्या चीज होती है। अब हमारे पास सेकेंड टाइप के ग्रुप्स आते हैं जिन्हें सेकेंडरी ग्रुप्स कहा जाता है। अब सेकेंडरी ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें यूजर को ऐड करके यूजर को कुछ स्पेशल परमिशंस असाइन की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ग्रुप है सूडो। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे यूजर को सूडो की तमाम परमिशंस मिल जाएं तो मैं यूजर को सूडो ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इसी तरह से इसकी एक और एग्जांपल हमारे पास हमारा खुद का क्रिएट किया गया एथिकल हैकर्स वाला ग्रुप था। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे यूजर को एथिकल हैकिंग परफॉर्म करने की तमाम परमिशंस मिल जाएं तो मैं अपने उस स्पेसिफिक यूजर को अपने इस एथिकल हैकर्स वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब गाइस, हमारा यूजर मल्टीपल सेकेंडरी ग्रुप्स में ऐड हो सकता है जबकि यूजर का प्राइमरी ग्रुप सिर्फ एक ही होता है। फॉर एग्जांपल गाइस, अगर यहाँ पर मैं अपने अमोन यूजर के तमाम ग्रुप्स को चेक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इस अमोन यूजर के मल्टीपल सेकेंडरी ग्रुप्स मौजूद है जबकि इसका प्राइमरी ग्रुप सिर्फ और सिर्फ एक ही है। सो आई होप गाइस आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप का कम्प्लीटली आइडिया हो चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रुप्स को किस तरह से डिलीट किया जाता है। सो गाइस, हमारे पास जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम सिंपल sudo groupdel की कमांड के साथ डिलीट कर सकते हैं। सिंपल अपने टर्मिनल में sudo space groupdel की कमांड एंटर करनी है और आगे उस ग्रुप का नेम मेंशन कर देना है जिस ग्रुप को हमने डिलीट करना हो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एथिकल हैकर्स वाले ग्रुप को डिलीट करना है तो मैं sudo space groupdel की कमांड दूंगा और आगे स्पेस डालकर एथिकल हैकर्स मेंशन कर दूंगा। सो ये कमांड एंटर करते साथ ही मेरा एथिकल हैकर्स वाला ग्रुप ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। सो इस कमांड से सिंपल हम अपने सेकेंडरी ग्रुप्स को डिलीट कर सकते हैं। बट अगर बात करें प्राइमरी ग्रुप्स की तो हमारे प्राइमरी ग्रुप इस कमांड से डिलीट नहीं होते हैं। चलिए सो गाइज, इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। सो ऑलराइट गाइज, अगर यहाँ पर मैं अपनी मशीन के तमाम ग्रुप्स को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मेरी मशीन में मेरे पास एथिकल हैकर्स के नाम से एक ग्रुप मौजूद है जिसे कि हमने कुछ टाइम पहले ही क्रिएट किया था। सो गाइज, अब हम इस ग्रुप को डिलीट करने वाले हैं। अगर इस ग्रुप के टाइप की बात की जाए तो ये एक सेकेंडरी ग्रुप है। सो इसलिए इस ग्रुप को डिलीट करने के लिए हम sudo space groupdel की कमांड का यूज़ करेंगे और कमांड एंटर करने के बाद लास्ट पे हम ग्रुप का नेम मेंशन कर देंगे जिस ग्रुप को हमने डिलीट करना है। और जैसे ही ये कमांड लिखने के बाद मैं एंटर हिट करता हूँ तो मेरी मशीन से ये एथिकल हैकर्स वाला ग्रुप डिलीट हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर गेट ENT ग्रुप्स की कमांड लगाकर अपने मशीन के तमाम ग्रुप्स को चेक करता हूँ तो यहाँ पर लास्ट पे जो पहले एथिकल हैकर्स वाला ग्रुप था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। गाइस, अगर मैं अपनी स्क्रीन को स्क्रोल करके ऊपर के जानब मूव करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर यूजर टू के बिल्कुल नीचे हमारे पास एथिकल हैकर्स वाला ग्रुप था जबकि अब जब हमने अगेन से चेक किया है तो हमारा ग्रुप यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब गाइस, अगर यहाँ पर आप एक और चीज़ नोट करें तो अगर हम अपने एथिकल हैकर्स वाले ग्रुप को देखें तो हमारे इस एथिकल हैकर्स वाले ग्रुप में हमारा एक अमोन यूजर भी ऐड था। तो जब हमारा ये ग्रुप डिलीट हुआ तो ऑटोमेटिकली ये एथिकल हैकर्स वाले ग्रुप से ये यूजर भी रिमूव हो गया। अब अगर हम अपने इस अमोन यूजर्स के ग्रुप्स को चेकआउट करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी एथिकल हैकर्स वाला ग्रुप मौजूद नहीं है क्योंकि वो ग्रुप हमारी मशीन से ही डिलीट हो चुका है जबकि पहले इस यूजर के सेकेंडरी ग्रुप्स में वो ग्रुप भी मौजूद था। सो आई होप गाइस आपको हर चीज़ का प्रॉपरली आइडिया हो चुका होगा। अब मैं क्लियर कमांड देकर अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ।
सो गाइस, अभी आपने देखा कि हमने किस तरह से sudo grpdel की कमांड का यूज करते हुए अपने एथिकल हैकर्स वाले ग्रुप को डिलीट किया। बट अब अगर बात करें हमारे प्राइमरी ग्रुप्स की, तो हमारे प्राइमरी ग्रुप्स को डिलीट करने के लिए ये कमांड बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है। चलिए सो पहले मैं इस कमांड का यूज करते हुए किसी प्राइमरी ग्रुप को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी के टाइम पे अपने अमोन यूजर में लॉगिन हूँ। तो यहाँ पर मैं अमोन यूजर के तमाम ग्रुप्स को ओपन करता हूँ। सो गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला अमोन ग्रुप है, ये इस यूजर का प्राइमरी ग्रुप है, और इसके अलावा बाकी के बच्चे तमाम ग्रुप्स इस यूजर के सेकेंडरी ग्रुप्स हैं। तो यहाँ अब हम इस प्राइमरी ग्रुप को डिलीट करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर मैं sudo grpdel की कमांड देकर अपने इस फर्स्ट वाले प्राइमरी ग्रुप को डिलीट करने की कोशिश करूंगा। बट गाइस, जैसे ही ये कमांड लिखकर मैं एंटर हिट करूंगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये ग्रुप डिलीट नहीं हुआ है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ आ चुका है कि जिस ग्रुप को डिलीट करने की हम कोशिश कर रहे हैं वो इस यूज़र का प्राइमरी ग्रुप है। इसी तरह से मैं अपने किसी और यूज़र के प्राइमरी ग्रुप को भी डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने यूज़र वन के तमाम ग्रुप्स को ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मेरे सामने मेरे यूज़र वन का प्राइमरी ग्रुप भी आ चुका है। सो गाइस, अब अगर हम अपने इस यूज़र वन के भी प्राइमरी ग्रुप को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जैसे ही sudo grpdel की कमांड देकर अपने इस प्राइमरी ग्रुप को मेंशन करता हूँ और इसे डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, तो सेम एरर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सो अब बात आती है कि किसी भी यूज़र के प्राइमरी ग्रुप को किस तरह से डिलीट किया जाता है। सो गाइस, जब भी हमें किसी यूज़र के प्राइमरी ग्रुप को डिलीट करना हो, तो उस यूज़र को एक नया प्राइमरी ग्रुप बनाकर अलॉट किया जाता है, देन पुराने वाले प्राइमरी ग्रुप को डिलीट कर दिया जाता है, और हमारा न्यू क्रिएट किया गया ग्रुप यूज़र का प्राइमरी ग्रुप बन जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरा ये जो यूज़र था अमोन, अब अगर मुझे अपने इस यूज़र के प्राइमरी ग्रुप को डिलीट करना है, तो पहले मुझे एक न्यू ग्रुप बनाना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं एक ग्रुप बनाता हूँ ABC के नाम से। अब नेक्स्ट मुझे अपने इस यूज़र के पुराने वाले प्राइमरी ग्रुप को हटाकर इस नए क्रिएटेड किए गए ग्रुप को एज अ प्राइमरी ग्रुप अलॉट करना पड़ेगा, देन ही मैं इस पुराने वाले प्राइमरी ग्रुप को डिलीट कर पाऊंगा। इसी तरह से अगर मुझे मेरे यूज़र वन या यूज़र टू के भी प्राइमरी ग्रुप्स को डिलीट करना है, तो इसकी जगह पर पहले मुझे यूज़र्स को कोई नए प्राइमरी ग्रुप्स बनाकर देने पड़ेंगे। अभी जब हम प्रैक्टिकली ये वर्किंग परफॉर्म करेंगे, तो आप बेहतर तरीके से हर चीज़ समझ जाएंगे। अब गाइस, इस तमाम वर्किंग में हम टोटल 3 कमांड्स का यूज़ करेंगे। पहली कमांड यूज़ करते हुए हम एक न्यू ग्रुप क्रिएट करेंगे, देन दूसरी कमांड का यूज़ करते हुए हम उस क्रिएट किए गए ग्रुप को किसी भी यूज़र का प्राइमरी ग्रुप सेट करेंगे, और देन लास्ट कमांड का यूज़ करते हुए हम अपने ओल्ड प्राइमरी ग्रुप को डिलीट कर देंगे। चलिए सो गाइस, इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने यूज़र वन के तमाम ग्रुप्स को ओपन कर लेता हूँ। अब गाइस, ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप है, ये इस यूज़र का प्राइमरी ग्रुप है। सो गाइस, अभी हमने इसी ग्रुप को डिलीट करना है। सो गाइस, अभी हम अपने उन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस ग्रुप को डिलीट करेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक न्यू ग्रुप क्रिएट करने वाला हूँ। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मैं एक न्यू ग्रुप को क्रिएट करने की कमांड एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं ABC के नाम से एक न्यू ग्रुप क्रिएट करने वाला हूँ। सो गाइस, जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा, तो मेरी मशीन में ABC के नाम से एक न्यू ग्रुप क्रिएट हो चुका है। सो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में अपने इस यूज़र वन के प्राइमरी ग्रुप को इस ABC वाले ग्रुप के साथ रिप्लेस करना है। सो ऑलराइट, इसके लिए हम अपनी वो सेकंड वाली कमांड देंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैं sudo space user mode लिखूंगा, देन स्पेस डालकर हम स्मॉल हाइफन g का यूज़ करेंगे। यहाँ पर g का मतलब ग्रुप है, और इसके बाद हम अपने इस नए क्रिएट किए गए ग्रुप का नेम मेंशन कर देंगे, और लास्ट पे हम यूज़र नेम मेंशन करेंगे। सो गाइस, अगर हम इस कमांड को देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने sudo का यूज़ किया, देन हमने यूज़र मोड लिखा, देन हमने हाइफन g का यूज़ किया, देन हमने वो ग्रुप मेंशन किया जो कि हमने न्यू क्रिएट किया था, और लास्ट पे हमने अपना यूज़र नेम मेंशन कर दिया जिसका प्राइमरी ग्रुप हम चेंज करने वाले हैं। सो ऑलराइट गाइस, अब जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करूंगा, सो मेरे यूज़र वन का प्राइमरी ग्रुप चेंज हो चुका है। अब अगर हम अपने यूज़र वन के तमाम ग्रुप्स को अगेन से चेक करते हैं, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे यूज़र वन का प्राइमरी ग्रुप चेंज हो चुका है। अब हमारा ABC वाला ग्रुप इस यूज़र का प्राइमरी ग्रुप बन चुका है। अगर आप पहले यूज़र वन का प्राइमरी ग्रुप देखें, तो वो यूज़र वन ही था, जबकि अब ये ग्रुप चेंज हो चुका है। बट गाइज, अब सोचने वाली बात यह है कि हमारा जो यूज़र वन ग्रुप था वो कहाँ है, क्योंकि वो तो अब यहाँ पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। अब गाइज, अगर हम अपनी मशीन के तमाम ग्रुप्स को देखें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो यूज़र वन वाला ग्रुप था वो अभी भी हमारी मशीन में मौजूद है, बट वो इस वक्त में हमारे यूज़र का प्राइमरी ग्रुप नहीं है, तो उसे डिलीट करना अब हमारे लिए ईजी हो चुका है। सो अब सिंपल इस ग्रुप को डिलीट करने के लिए हम sudo grpdel की कमांड का यूज़ करेंगे, और लास्ट पे यूज़र वन ग्रुप को मेंशन कर देंगे। सो इस तरह से गाइज, हमारा यूज़र वन ग्रुप डिलीट हो चुका है।
सो अब अगर हम अगेन से अपनी मशीन के तमाम ग्रुप्स को चेक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले हमारे पास यूज़र 3 और यूज़र 2 के दरमियान में यूज़र 1 एग्जिस्ट करता था, जबकि अब ये यूज़र डिलीट हो चुका है। सो अब हम अगेन से अपनी मशीन के तमाम यूज़र्स को चेकआउट करते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यूज़र 3 ग्रुप और यूज़र 2 ग्रुप के दरमियान में कोई भी यूज़र 1 ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो हमारी मशीन से डिलीट हो चुका है। और अब हमारे पास ABC के नाम से एक न्यू ग्रुप बन चुका है जो कि हमारे यूज़र 1 का प्राइमरी ग्रुप है। सो आई होप गाइज आपको तमाम वर्किंग का प्रॉपरली आइडिया हो चुका होगा। सो गाइज अब हम जल्दी से अपने एक और यूज़र यूज़र 2 के भी प्राइमरी ग्रुप को डिलीट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने यूज़र 2 के तमाम ग्रुप्स को ओपन कर लेता हूँ। सो हमारा ये फर्स्ट वाला ग्रुप हमारे इस यूज़र 2 का प्राइमरी ग्रुप है। सो अभी हम इसे ही डिलीट करने वाले हैं। सो अब हम अपनी मशीन में XYZ के नाम से एक न्यू ग्रुप क्रिएट करेंगे और बाद में हम अपने प्राइमरी ग्रुप को इसी XYZ ग्रुप के साथ रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ पर मेरी मशीन में XYZ के नाम से एक न्यू ग्रुप क्रिएट हो चुका है। सो अब अगर हम अपनी मशीन के तमाम ग्रुप्स को चेक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास मशीन में XYZ के नाम से एक न्यू ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब हमारा ये XYZ ग्रुप हमारा प्राइमरी ग्रुप बनने वाला है। सो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में यूज़र 2 प्राइमरी ग्रुप को XYZ के साथ रिप्लेस करेंगे। सो इसके लिए मैं कमांड एंटर करूँगा sudo space user mode और देन हम वो ग्रुप मेंशन करेंगे जो कि अभी हमने क्रिएट किया है। सो यहाँ पर ग्रुप का नेम XYZ है। इसके बाद हम वो यूज़र नेम मेंशन करेंगे जिस यूज़र का ग्रुप हमने रिप्लेस करना है। सो यहाँ पर मैंने यूज़र 2 मेंशन कर दिया है क्योंकि अभी हम यूज़र 2 के प्राइमरी ग्रुप को ही रिप्लेस करने वाले हैं। सो जैसे ही ये कमांड लिखकर मैं एंटर हिट करता हूँ सो मेरा यूज़र 2 ग्रुप मेरे XYZ ग्रुप के साथ रिप्लेस हो चुका है। अब गाइज अगर मैं अपने इस XYZ ग्रुप को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये XYZ वाला ग्रुप डिलीट नहीं हुआ है क्योंकि ये ग्रुप अब हमारे यूज़र 2 का प्राइमरी ग्रुप बन चुका है। आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पर यूज़र 2 ग्रुप को डिलीट करता हूँ सो आप यहाँ पर देखिएगा कि ये ग्रुप फ़ौरन से डिलीट हो चुका है क्योंकि अब ये ग्रुप हमारे यूज़र 2 का प्राइमरी ग्रुप नहीं रहा। और गाइज अब अगर हम अपनी मशीन के भी तमाम ग्रुप्स को चेकआउट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूज़र 2 के नाम से अब हमारी मशीन में कोई भी ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि पहले यूज़र 3 ग्रुप के साथ यूज़र 2 ग्रुप भी मौजूद था। अब हमारी मशीन में XYZ के नाम से एक न्यू ग्रुप बन चुका है। सो आई होप गाइज आपको हर चीज़ का प्रॉपरली आइडिया हो चुका होगा। सो अब मैं क्लियर कमांड देकर अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। सो गाइज अब बात कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या कुछ सीख लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जाना कि लिनक्स में ग्रुप्स क्या चीज़ होती हैं और ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद देन हमने एक यूज़र के ग्रुप्स को चेक करने के प्रोसेस के बारे में जाना था, जिसमें हमने ग्रुप्स और ग्रुप स्पेस यूज़र नेम इन दोनों कमांड्स को देखा था। उसके बाद नेक्स्ट गाइज हमने ये जाना था कि हम ये किस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारी मशीन में टोटल कितने ग्रुप्स बने हुए हैं, जिसके लिए हमने गेट ENT स्पेस ग्रुप की कमांड का यूज़ किया। और इसके अलावा इसकी एक अल्टरनेटिव कमांड कैट स्पेस /etc/groups कमांड को देखा था। इसके बाद देन हमने ये जाना था कि हम अपनी मशीन में न्यू ग्रुप्स को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हमने sudo space group add की कमांड का यूज़ किया था। और यहीं पर हमने एथिकल हैकर्स के नाम से अपना एक न्यू ग्रुप भी क्रिएट किया था। इसके बाद गाइस देन हमने ये जाना था कि हम एक यूज़र के ग्रुप्स को किस तरह से चेंज कर सकते हैं या एक यूज़र को किस तरह से नए ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। और इसमें हमने sudo user mode /a/G कमांड को देखा था। और इसी कमांड का यूज़ करते हुए हमने अपने दो यूज़र्स को अपने एथिकल हैकर्स वाले ग्रुप में भी ऐड किया था। इसके बाद गाइस नेक्स्ट हमने ये जाना था कि हम किस तरह से पहले से ऐड किसी यूज़र को ग्रुप से किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। और इसमें भी हमने दो तरह की कमांड्स को देखा था। पहली कमांड sudo del user, देन यूज़र का नेम और लास्ट पे ग्रुप का नेम मेंशन किया जाता था। और इसके अलावा हमने इसकी एक अल्टरनेटिव कमांड भी देखी थी जो थी sudo /g/passwd/d और लास्ट पे हम यूज़र नेम और ग्रुप नेम मेंशन करते थे। और गाइज हमने इसी कमांड का यूज़ करते हुए अपने यूज़र्स को एथिकल हैकर्स वाले ग्रुप से रिमूव भी किया था। इसके बाद गाइज हमने ग्रुप्स को डिलीट करने के प्रोसेस के बारे में जाना था। और इसमें हमने दोनों टाइप्स के ग्रुप्स प्राइमरी और सेकेंडरी को स्टडी किया था। और सेकेंडरी ग्रुप्स को डिलीट करने के लिए हमने sudo group del की कमांड का यूज़ किया था। और बाद में इसी कमांड का यूज़ करते हुए हमने अपने एथिकल हैकर्स वाले ग्रुप को भी डिलीट किया था। और प्राइमरी ग्रुप्स को डिलीट करने के लिए हमने 3 स्टेप्स को फॉलो किया था। सो आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित रही होगी और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लिनक्स के इसी तरह से कुछ कोर टॉपिक्स को देखेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड।